पोलैंड 2 के भी 25,000 से अधिक सामुदायिक दंगों ने भारत में लोकतंत्र की जड़ हिला दी है। इस प्रकार सांप्रदायिकता एक गंभीर समस्या है जिस पर हमारा ध्यान चाहिए। यह एक ऐसा जहर है जिसकी जड़ें हमारी राजनीति में गहरी है, हिंसा से प्रभावित होती है। सांप्रदायिक सद्भाव की कमी हमारे राष्ट्र के लिए खतरनाक है। कवि नजरुल इस्लाम ने यह कहा है, मोड़ा एक प्रिंते दूटी कुशुम, हिंदू मुसलमान मुस्लिम तन नयन मुनि हिंदू तहर प्राण। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि सांप्रदायिक सद्भाव के अभाव में देश में कोई सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक विकास नहीं हो सकता है। अगर सांप्रदायिकता को बिना किसी जांच के फिर से सिर उठाने की अनुमति दी जाती तो हम राष्ट्रीय एकीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रगति नहीं कर सकते। सांप्रदायिक दंगे और कलह से जान माल को बहुत नुकसान होती है। यह सरकार का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि वह लोगों के जीवन की रक्षा करे। इसीलिए सरकार का कुल ध्यान इस समस्या की ओर है और अन्य सभी राजनीतिक कार्यक्रम निलंबित है। हम ये भी जानते हैं कि महान कला और महान साहित्य शांति और सुरक्षा में पनपते हैं। इसलिए जब सांप्रदायिक दंगे व्यापक होते हैं तो सभी सभ्य गतिविधियां बंद हो जाती हैं। हिंसा मानवीय प्रगति को रोकती है। इस खतरनाक समस्या का कोई हल निकालने से पहले स्थिति का विश्लेषण करना वांछनीय है। राष्ट्रीय एकता के लिए समय पर अनेक उपाय किए गए हैं, परंतु अभी भी इस दिशा में बहुत कुछ करना बाकी है। हमारे अनेक नेताओं ने राष्ट्रीय एकता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। इसके लिए हमें सबसे पहले स्कूलों और कॉलेजों में राष्ट्रीय एकता की भावना का प्रचार करना चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चे में देश प्रेम की भावना उत्पन्न हो। देश की आर्थिक विषमता को दूर करने के प्रयास करने चाहिए। आज प्रत्येक भारतवासी का यह पहला कर्तव्य होना चाहिए कि वह अपने संकीर्ण विचारों को छोड़कर संपूर्ण राष्ट्र की उन्नति के लिए कार्य करे। इसलिए विश्व के कल्याण के लिए ऐसी भावना होनी चाहिए। अयम निज परो वेति गणनांग लघु चेतसा उदार चरित्र नाम तू वसुधैव कुटुंबकम्। अर्थात यह अपना है अथवा पराया है, ऐसी सोच छोटे मन वालों की होती है। उदार मन वालों के लिए तो पृथ्वी ही परिवार होती है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।